गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा त्रुटि, ठीक है। त्रुटियां क्या होती है, मतलब जो भी वास्तविक डेटा होता है अपने पास, और एक अपन डेटा मापते हैं यानी कि प्रायोगिक बोल सकते हैं, तो जो वास्तविक और प्रायोगिक डेटा में जो अंतर होता है वो त्रुटियां होती है। ये अंतर बहुत ही कम होता है, जैसे 0.001 हो सकता है, 0.002 हो सकता है, होती है त्रुटि, ठीक है। अब देखो औसत एक होती है औसत त्रुटि, औसत त्रुटि, औसत त्रुटि क्या होती है, औसत त्रुटि होती है जितनी भी त्रुटियां, मतलब जितना भी मापित मान है, जैसे एक बार मापा A1, A2, A3, A4, सबको लिख के जितने वैल्यू है उसका भाग देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डेटा है A1, A2, A3, A4, चार ही डेटा है, ठीक है। और भाई फोर, ये तो हो जाती है औसत त्रुटि, ठीक है, औसत त्रुटि। फिर एक आती है माध्य मान या परम त्रुटि, ठीक है। ये क्या होती है, ये होते हैं यहाँ से जो अपेक्षित त्रुटि का जो औसत त्रुटि का यहाँ जो आएगा माध्य, जैसे मान लो कि ए यहाँ पे, उसको प्रत्येक त्रुटि में से माइनस करके लिखते हैं। जैसे इसका मान लो डेल ए, सॉरी A1 माइनस ए प्लस A2 माइनस ए, A3 माइनस ए, A4 माइनस ए, सब में प्लस, ठीक है, I4। ये हो गया माध्यमान त्रुटि। फिर आता है एक निरपेक्ष त्रुटि या अपेक्षिक, एक ही बात है, अपेक्षिक त्रुटि वो होती है जितनी त्रुटि, यानी कि मान लो डेल त्रुटि अपॉन ए, दोनों का डिवाइडेशन अपेक्षित त्रुटि होती है। एक होता है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत, तो वो हो जाता है डेल ए इंटू ए इंटू सो। बस यही है सबसे इम्पोर्टेंट, ये रहेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्रतिशत त्रुटि, जैसे मान लो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस माइनस, इसका मतलब है त्रुटियों को प्लस माइनस शो करते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इक्वल्स टू है ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, योग के जो दो त्रुटियां आपस में योग होती है, ठीक है। मान लेते हैं अपन एक्स की जो मान है वो है ए प्लस बी, देन इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो ये हो जाता है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू एक्स है, तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इस एक्स में एक्स कट जाता है, यानी डेल एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, यानी ये त्रुटि होती है जो त्रुटियों का योग होता है, ठीक है। त्रुटियों योग होता है, नेगेटिव अंतर की भी यही होती है, अंतर का भी यही होती है। अंतर में सिर्फ होता क्या है, ये माइनस प्लस हो जाता है, ये यहाँ से चेंज हो के माइनस प्लस हो जाता है बस, लेकिन वो रहता हमेशा योग ही, ठीक है। तो आपको बता दूँ, अब मैं आपको बताऊँगा त्रुटियों का गुणनफल, पहली त्रुटि ये है गुणा है, दूसरी त्रुटि
प्लस माइनस। अब अपन ने माना है त्रुटि को गुणनफल, इसके x की वैल्यू भी अपन क्या मानेंगे, a गुणा b, ये तो मानेंगे। इसको अज्यूम करते हैं, अज्यूम, ठीक है, ये मानना पड़ता है अपने को। इसके बाद x में से कॉमन ले लेंगे, तो देखो वन प्लस माइनस डेल x बाई x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पार्ट। इसमें से देखो ए कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए क्रॉस पी, वन प्लस डेल बी बाई पी, ठीक है। ए क्रॉस बी एक साथ लिख लो, एक्स वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स, ए क्रॉस बी, इसको सबको गुणा कर दो, फिर इसको करेंगे तो वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ओके डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी ए बी, ठीक है। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी की वैल्यू एक्स अज्यूम की, तो अपन यहाँ पे इसको हटा के एक्स लिख सकते हैं, एक्स और ये एक्स एक्स काट देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू है अपने पास बचेगी वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स, वन प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी बाई प्लस माइनस डेल ए डेल बी डेल बी, और देखो ये वन से वन बढ़ जाएगा, यानी कि और ये जो है ये त्रुटि बहुत ही मैंने बताई थी अल्प होती, तो वो भी डेल ए भी है डेल बी भी है और दोनों इंटू में, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा। तो ये वाला पार्ट है उसको अपन नेगलेक्ट ले लेते हैं, नगण्य, ठीक है। तो बचे क्या, डेल एक्स वन एक्स डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, पास ये फॉर्मूला याद रखना है मास्टर, इतना बहुत, ठीक है। इसे अब इस पर एक क्वेश्चन करा दो, इस पर एक क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में त्रुटि 2 ± 0.1 वेयर चौड़ाई में, चौड़ाई में त्रुटि 3 ± 0.2 है, तो क्षेत्रफल में त्रुटि होगी। आप देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एक आयत की लंबाई में त्रुटि ये इतनी है, चौड़ाई में त्रुटि इतनी है, तो क्षेत्रफल में निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये त्रुटि और ये त्रुटि दोनों गुणांक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इससे अपन क्या करेंगे, आप गुणा में तो अपन जानते हैं गुणा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको एल एक्स अपॉन एक्स, अभी अपन ने निकाला था ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ये तो होगा, ये तो होगा, ये होता है फॉर्मूला, इसी के हिसाब से चलता है।
यानी कि डेल ए अपॉन ए बराबर, अब देखो डेल ए की वैल्यू कितनी, 0.1, देखो 0.1 वाई टू प्लस डेल बी अपॉन बी, कितना है डेल बी, 0.2 वाई थ्री, इसको करो, इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सीधा 20, ये यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है, 20-30 लेस है, इसको लेस है हमें 6 और 1/10 में बाहर पहले ले लेता हूँ, 6 लेस आ गया तो 3 + 6 = 7/60, ठीक है, अभी हो जाएगा अभी 7/60। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या हुआ, एल इंटू बी, एल कितना है 2 और बी 3, यानी कि 3 × 6 हो गया, तो ये 6 इधर चला जाएगा इंटू 6। अब देखो 56 × 60 = 560 और 9×54 = 0.93 छिहत्तर बन गए, ठीक है, क्वेश्चन यही ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको सारे, ठीक है। ऐसे ही जो डिवाइडेशन करते हैं सेम है, इसी प्रोसेस से निकाल रहे हैं, उसमें त्रुटि क्या होती है बता देता हूँ आपको, होती है डेल एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल ए बाई ए और माइनस प्लस डेल बी बाई बी आई माइनस, ठीक है। अब आपको बताता हूँ एक पावर में होती है, पावर की वर्ड पर त्रुटियाँ खत्म, जैसे मान लो त्रुटियाँ हैं एक्स ए और पी की पावर एन, ऐसे पावर में त्रुटियाँ, पावर में भी डिवाइडेशन में भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक साथ देखो सबको, लोग ले लेते हैं सबसे पहले, ये होता है लोग एक्स एन लोग ए माइनस एन लोग बी, अवकलन कर देते हैं इसका, ठीक है। आप अगर इसका अवकलन करना है तो भाई हो गया इसका ई ले लिया अपन ने, ठीक है, अगर इसका करेंगे तो यह आ जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस एम डेल बाई ए प्लस माइनस और माइनस प्लस, वही आ जाएगा डेल एन डेल बी बाई बी, ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं, डेल एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एम और ये आ गया, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो। अब इसको यूज में कैसे लेते हैं, जैसे लिखे हैं एक गोले की त्रिज्या में दो परसेंट, एक गोले की त्रिज्या में 2% त्रुटि है, एक गोले की त्रिज्या में 2% त्रुटि है, तो गोले के क्षेत्रफल व आयतन में त्रुटि होगी,
सबसे पहले एरिया लिखेंगे, तो गोले का एरिया होता है 4πr² वॉल्यूम में पूछिए तो व्यू लिख लो 4/3πr³। क्यों? देखो ये वाला पार्ट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि जो पावर होती है वो त्रुटि में इंटू में आ जाती है, तो यानी कि देखो पावर कितनी है 2। कितनी पावर है 2? क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं बनता ना, एक्स बराबर जैसे ए एम है स्पोज एक्स बराबर ए एम बी एम था, तो ये होता है डेल एक्स बाई एक्स एम डेल एम ए। आगे वाला चाहिए नहीं क्योंकि आगे वाला है ही नहीं अपने, बाकी आगे वाला तो ऐसे ही था। तो डेल ए का मान कितना है? डेल ए का मान जो दे रखा 2% आर आर है, एम दे रखा अपने डेल ए कौन डेल ए का मान तो 2% दे रखा ना त्रुटि, और एम का मान एम पावर 2, ऐसे दो पावर 2, ठीक है। तो इसके में पावर तो हो गई 2, इसका क्षेत्र 2 होता है एम डेल आर अपॉन आर, तो एम की जगह आ जाएगा 2 डेल आर अपॉन ए का मान भी 2%, ये 4% आ गए, और इसमें एम डेल आर ये तो सब कॉन्स्टेंट है, ये वाला पार्ट पूरा कॉन्स्टेंट है, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एम एम का मान कितना है? 3 पावर 3 है, और डेल आर अपॉन डेल का 2, तीनों में 6% आ गई, 4% आ गई। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, शायद त्रुटि का पूरा टॉपिक भी हो गया, पूरा कंप्लीट टॉपिक सॉल्व करिए, नहीं है तो कमेंट करके बता देना, दोबारा रिवाइज करवा देना।